तमिलनाडु में मद्रास आई का कहर, रोजाना 5,000 लोग हो रहे शिकार, कहां से आई बीमारी, क्या है वजह? तमिलनाडु में इन दिनों नई बीमारी मद्रास आई का कहर बरप रहा है। ये आंखों की एक संक्रामक बीमारी है जो बारिश के मौसम में तेजी से फैलती है। जानकारी के मुताबिक इस बार लौटते मानसून की वजह से प्रदेश में भारी बारिश हुई और यही मद्रास आई के संक्रमण फैलने की सबसे बड़ी वजह है। इस खतरनाक बीमारी से अब तक 1.5 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हो चुके हैं और परेशान करने वाली बात यह है कि इस बीमारी से सबसे ज्यादा बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। इस बीमारी से आंखों की कंजक्टिवा टिश्यू सूज जाती है। इसके समान लक्षण आंखों के चारों ओर दर्द होना, आंखों का लाल होना, आंखों से पानी आना है, जिसके चलते मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तमिलनाडु के स्वास्थ्य विभाग ने मद्रास आई के बढ़ते मामलों को लेकर चेतावनी दी है और इसके बचाव के तरीकों को भी बताया है, जिससे मरीजों को राहत मिल सके। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहा गया है कि बीमारी से पीड़ित लोग किसी के भी संपर्क में न आए, खुद को क्वारंटीन रखें, जिससे कि ये बीमारी ज्यादा न फैले। डॉक्टरों के मुताबिक बीमारी का संक्रमण ज्यादा संक्रामक है। ये केवल संक्रमित व्यक्ति की आंखों में देखने या उनसे बात करने से नहीं फैलता है, ये आंखों के स्राव से फैलता है। किसी भी मरीज के अंदर अगर मद्रास आई का जरा सा भी लक्षण दिखे तो तुरंत नेत्र केंद्र पर जाकर अपनी आंखों का टेस्ट करवाएं, जिससे कि उसका इलाज जल्द से जल्द हो सके। मद्रास आई एक आमतौर पर वायरल इन्फेक्शन है जो एक दूसरे से फैलता है। इसलिए कोशिश करें कि किसी संक्रमित शख्स के संपर्क में ना आए, हाथों से आंखों को छूने से बचें और लगातार साबुन से हाथ धोते रहें, जिससे इन्फेक्शन ना हो। डॉक्टरों के मुताबिक हर साल मानसून के मौसम में मद्रास आई के मामलों में हल्की बढ़ोतरी देखी जाती है और जैसे जैसे मौसम बदलता है बीमारी कम हो जाती है। लौटते मानसून की वजह से इस बीमारी का कहर है। तमिलनाडु में उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से काफी बारिश हो रही है। चेन्नई में तापमान 22 डिग्री तक गिर रहा है। ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि बारिश अभी कुछ दिन और हो सकती है और संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे में लोगों को बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।